सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। ओ माय गॉड दोस्तों, अब बहुत ही बड़ा बवाल होने जाला है सलार मूवी से निकलकर। जो प्रभास की मूवी सलार आने वाली है, उसका दोस्तों हमें टीजर 2 आते हुए भी दिखाई देने वाला है। ये एक दोस्तों बहुत ही मैसिव और बहुत ही धमाकेदार न्यूज हमारे हाथ लगी है। अब एक्चुअली दोस्तों हो क्या रहा है, 2 दिन से ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें सलार मूवी के सेंसर बोर्ड से पास हुए जो दोस्तों टीजर है उसका स्क्रीनशॉट है। अगर आप उस स्क्रीनशॉट में डेट देखेंगे तो हमें डेट दिखाई देगी 13 जुलाई की। जी हाँ दोस्तों, हमें 13 जुलाई की उस सेंसर बोर्ड से पास हुआ डेट दिखाई देती है टीजर की। और जो सलार का फर्स्ट टीजर था वो हमें 7 जुलाई को देखने को मिल गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं फैंस कह रहे हैं कि ये हमें सेकेंड टीजर देखने को मिलने वाला है। अब आप सोचिए, जब सलार के फर्स्ट टीजर ने इतनी बड़ी तबाही ला दी थी, 125 मिलियन प्लस का उसने व्यूज कर लिया है, तो जब सलार का सेकेंड टीजर आएगा तो वो कितना बड़ा धमाका करेगा, कितनी बड़ी तबाही लाएगी। लेकिन रुकिए दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए सलार मूवी की एक्साइटमेंट है कि उन्होंने टीजर जो कि फर्स्ट टीजर आया था उसकी ही सेंसर बोर्ड रिपोर्ट को एडिट करके 13 जुलाई की डेट डाल दी है। जबकि ऐसा कुछ भी सच नहीं है कि सलार मूवी का सेकेंड टीजर आने वाला है। हाँ दोस्तों, इस महीने के लास्ट तक हमें सलार मूवी से रिलेटेड एक सॉन्ग देखने को मिलने वाला था, पर अब हमें उसकी भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि दोस्तों पहले न्यूज आ रही थी कि सॉन्ग देखने को मिलेगा, पर अब हमें सॉन्ग देखने को मिलेगा इसकी भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और जो ये फोटो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि सलार मूवी का हमें सेकेंड टीजर भी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फर्स्ट टीजर तो 7 जुलाई को आ गया था और सेकेंड टीजर जो है वो सेंसर बोर्ड से 13 जुलाई को पास हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैंस की एडिट है। लेकिन एडिट भी ऐसी की गई है इस फोटो को कि लग रहा है कि एकदम सेंसर बोर्ड से ये पास किया गया है। अब आप बताइए दोस्तों, आप सलार मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या इसका सेकेंड टीजर आना चाहिए या अब इसका डायरेक्ट ट्रेलर आना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप हमें अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।